हाय फैमिली, कैसे है भाई? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, कल एक्सपायरी है। वेरी गुड। क्या लग रहा है? बताओ बताओ बताओ। कमेंट सेक्शन किसके लिए है? यही चीज़ों के लिए। बताओ बताओ, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? चलो सर, आज क्या हुआ? आज हम निफ्टी की कैंडल देखे तो कुछ नहीं हुआ। एक न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल इनडिसिजिव कैंडल है, ना बायर ना सेलर। बैंक निफ्टी में कुछ दम है बॉस, कुछ तो दम है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन के हिसाब से भाई 16,500 अभी के लिए एक क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। 16,700-800 के ऊपर रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। मेन जो है देखो आप 17,000 है। नीचे की तरफ भी कुछ खास नहीं है। अगर 16,500 तोड़ता है किसी भी कारण तो कुछ है नहीं, ठीक है। ऑप्शन चेन में वैसे भी डेटा लाइव मार्केट में बदल जाता है। बात कर लेते हैं सर निफ्टी की, अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। सर, कल सेलिंग में नहीं बैठना। क्या कल सेलिंग में मत बैठना, कल हर डिक्लाइन पे बाय करने का सोचना मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने आज आपको क्या बोला था, 475-520 के बीच में ही एक सपोर्ट है निफ्टी का। और आज का लो क्या है भाई, 478, राइट? ठीक है, एक दो रुपए ऊपर नीचे चलता है। 478 पे क्या हुआ, डबल बॉटम बना के चले गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका बैंक निफ्टी 720 के ऊपर चलता है तो भाई अगर कल फ्लैट खुलता है, मुझे पता नहीं गैप अप खुले तो हम देखेंगे क्या होगा। अगर कल फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में खुलता है तो 720 के ऊपर हम एक कैंडल या 730 के ऊपर हम बिंदास बाई करेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पहला टारगेट 840 का बॉस, 840 ये वाला 830-840। ये दूसरा टारगेट 16,900। अगेन कह रहा हूँ 16,900 से एक बार पलटेगी, बट कल होगा। कल क्या है, अभी शॉर्टर्स को ट्रैप करेगा मेरे भाई, याद रखो जिन्होंने सेल बनाया हुआ ना उनको ट्रैप करेगा कल। सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है भाई परसों से फिर गिरावट चालू हो। वैसे तो देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट जो होना था इंपॉर्टेंट लेवल, वो रीटेस्ट हो चुका है, हो सकता है वापिस हो जाए। बट मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है अगर कल पैनिक सेलिंग भी देता ना बॉस तो बाई करने का सोचना। अगर अपने लेवल्स पे आता है तो सपोर्ट से रिवर्सल दिखता है। प्लस आपका ओआई, सिंपल तरीका बताऊंगा ओआई डेटा का। ओआई डेटा मेरे भाई, चेंज इन ओआई कहाँ पे हाईएस्ट है कल के दिन देखना। ये तो ठीक है, पर यहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट है वो सपोर्ट का काम करेगा, और उसके पास अगर अपने ये लेवल्स मैच हो रहे, जैसे यहाँ पे 500 का काम कर रहा है, तो कल अगर ये 500 के पास एक 20,000-50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो भाई अपने पास लेवल क्या है, 480-75 से 520 का जोन है। अपन देखेंगे ये सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इन द सेम वे अगर कर रहा है तो रिवर्सल सिग्नल का वेट करेंगे फिर अपन बाई करेंगे, नहीं कर रहा है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट का है। अगर ये लेवल टूटता है, पहली बात तो याद रख लो, अगर कल किसी भी कारण 475 के नीचे जाती है मार्केट, फिर एक बार जा सकता है 16,200 मेरे भाई, वापिस यहाँ पे आ सकता है कल किसी भी कारण जाती है तो। बट मुझे नहीं लग रहा भाई नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगले 10 दिन तक ये बॉटम आउट हो चुका है। मुझे नहीं लगा अगले 10 दिन भी ये वाला लेवल मार्केट तोड़ पाएगी, ये क्लियर रखो, ठीक है। नीचे की तरफ ओनली सेल बिलो 475, अदरवाइज नो डूइंग इंगली, ओनली एवरी डिक्लाइन एंड पैनिक यू विल ओनली बाई। 900 के पास ओनली यू विल थिंक ऑफ सेल, उससे पहले नो सेलिंग ओनली टॉप के लेवल पे। बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल, अपना मंत्र उतना ही है, राइट? अपन बीच वाले है ही नहीं तो बीच वाले काम भी नहीं करेंगे, राइट? ये हो गया क्या निफ्टी की एनालिसिस भाई। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मेरे भाई कल मुझे लग रहा है 35,000 तो बन गया भाई, ये बॉटम बन गया। अब ये इसके नीचे मुश्किल है, बट एनी डे आई एम सेइंग, जैसे ही निफ्टी का भी अगर एनी डे ये लेवल काट देता है 475 है ये वाला 200, सेम वे एनी डे, कल का छोड़ो, एनी डे ये लेवल काट देगा ना आपका, फिर 34,000 वापस आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे।
फिर 34,000 जाएगी मार्केट एनी डे अगर ये काटता है। अभी नहीं काटेगा, कल क्या करेगा? पुल बैक करेगा। पुल बैक एनी डिक्लाइन और पैनिकिंग फॉर बाई। अब वो बाई तुम यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, जहाँ डिक्लाइन गैप अप भी खुला हो तो, और किसी भी कारण इस रेंज में खुलती है तो आपको 550 के ऊपर बिंदास बाई करना है। 700 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, 810 विल बी आवर सेकंड टारगेट। 810 850 के ऊपर चले गया 36,200 दिखा देगा, और 800 के ऊपर चले गए ना भाई, फिर तो क्लोजिंग 36,000 के आसपास होगी। 800 के ऊपर चली गई तो मतलब सस्टेन होना चाहिए, स्पाइक मारना अलग होता है, ठीक है, किसी भी कारण से। अब कल गैप अप खुला, पैनिक आया, डरने का नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है भाई, 350 से 450 का इम्पोर्टेंट जोन है, बाई करना बिंदास। और अगर यहाँ से डिक्लाइन होके वापस 550 काट देता, बिंदास राइड पर बैठना मेरे भाई, कल हो सकता ऊपर ही ले जाए मार्केट, गिरा के ऊपर ले जाए, चढ़ा के गिराने के चांसेस कम है। बट एक बात याद रखो, मार्केट में होने को कुछ हो सकता है, अपना तुक्का चलता है राइट, मैक्सिमम टाइम अपना तुक्का सही रहता है, पर मार्केट है भाई, अपन नहीं चला रहे इसको, ये समझो एक चीज। तो कल को जोश में आपने बोला था ना मैंने ले लिया ना, वो बातें मत करो, आपको सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ मैं। कल 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, अगर हाँ सेकेंड हाफ में अगर टाइम मिलता है तो मैं आऊँगा, बट ये एक चीज याद रखना, कल आपका व्यू एनी डिक्लाइन और पैनिक, ओनली बाई 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 बाई। अगर किसी भी कारण 300 के नीचे गया तो वापस भाई यहाँ पे आ जाएगा, गेन कह रहा हूँ। और याद रख लेना, अगर ये जोन में ज़्यादा देर टाइम कल बिता दिया तो फिर नीचे की तरफ ही है बाजार, ये क्लियर है। तो ये जोन तक नहीं आनी चाहिए बाजार, ये जोन में आ गया तो फिर भाई फिर नीचे ठोक देगा मार्केट, फिर नहीं सुनेगा। बस यही जोन में टाइम पास करके ऊपर चले गया अच्छी बात है, बट ये वाले एरिया में आ गया तो फिर तो सेलिंग है बॉस, ठीक है ना। एक्सपायरी थी बॉस, कैसे कि टाइम नहीं मिल रहा था, अभी जस्ट आया, आके वीडियो बना के डाल रहा हूँ। बाकी आपको ही मालूम भाई क्या करना क्या नहीं, इतने दिन से वीडियोस देख रहे थे, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ गई होगी, भगवान ने भी दी होगी तुम्हारे अंदर, वो भी यूज़ कर लेना। गुड नाइट।